बांग्ला आर्मी के सामने सूर्या ने बनाए सिर्फ 30 रन, लेकिन फिर भी बना दिया बड़ा रिकॉर्ड। मैच के बीच में आईसीसी ने जारी की सूची और दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए सूर्य कुमार यादव। सूर्या को आईसीसी देगा अब खास सम्मान। रोहित विराट ने मैदान पर थपथपाई पीठ। भारतीय टीम जब बांग्लादेश से लोहा लेने मैदान पर उतरी, उसी समय टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। भारतीय बल्लेबाज ने T20 वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान की बादशाहत को खत्म करते हुए पहले कप्तान बाबर आजम को पछाड़ा था और आज दूसरे ओपनर मोहम्मद रिजवान को भी पछाड़ दिया। नंबर वन की कुर्सी पर अब सूर्या का राज है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सूर्या ने ताबड़तोड़ 30 रन बनाए। एक समय लग रहा था कि वे अर्धशतक बनाकर ही रहेंगे, लेकिन रन गति तेज करने के प्रयास में वो आउट हो गए। इसके बावजूद भी सूर्य कुमार यादव अपनी शानदार फॉर्म की बदौलत T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। वह विराट कोहली के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं जो अभी तक T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं। सूर्य कुमार के 863 जबकि रिजवान के 842 अंक हैं। न्यूजीलैंड के डेवोन कानवे 792 अंक के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम चौथे नंबर पर हैं, उनके 780 अंक हैं, जबकि विराट कोहली 10वें नंबर पर बने हुए हैं। सूर्य कुमार यादव ने नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी बैटिंग करते हुए हाफ सेंचुरी जड़ी थी, जिसका उन्हें फायदा दिखाई दिया है। दूसरी ओर रिजवान और बाबर आजम वर्ल्ड कप में लगातार खराब दौर से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी सूर्या ने जोरदार बैटिंग की और 16 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके लगाए। उन्हें शाकिब अल हसन ने क्लीन बोल्ड किया। सूर्य कुमार ने भारत के लिए 37 T20 मुकाबले खेलते हुए 1 शतक और 11 अर्धशतक अब तक जड़े हैं। उन्होंने 13 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब सूर्य कुमार यादव की फॉर्म टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में कहां तक पहुंचाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।